प्रोफेसर साहब, मैं चाहता हूँ कि आप इस बात की गंभीरता को समझें, क्योंकि ये केस जो है वो हाई प्रोफाइल केस है। एम्बेसी, मिनिस्ट्री, हर जगह से दबाव है हम पे, और हम भी जो है इस केस को सोल्व करने में बड़े सीरियस हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज हमें जितना हो सके कोऑपरेट करें। इंस्पेक्टर साहब, कोऑपरेट ही तो कर रहे हैं। आपने कहा कार हैंड ओवर कर दो, हमने कर दी। आपने बुलाया, हम आ गए। अब आप ही बताइए, सिर्फ नंबर सेम होने की वजह से कि रेप मेरी गाड़ी में हुआ है? बड़ी अजीब बात है ये। आपको क्या लगता है कि सिर्फ नंबर सेम है? जिसका रेप हुआ है ना, वो स्वीडन की लड़की है, और इसने डिस्क्रिप्शन दिया है गाड़ी का, और वो हूबहू आपकी गाड़ी से मिलता जुलता है। इसके अलावा आज ही आपके सामने फोरेंसिक वालों ने उस गाड़ी का पूरा मुआयना किया है, और उसके अंदर वो राणा क्या रे, गोल्डन परफ्यूम सारे, हाँ गोल्डन परफ्यूम और वो ड्रीम कैचर, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें मिली हैं जो हम बता नहीं सकते आपको। वैसे गाड़ी कौन कौन चलाता है आपके यहाँ? मैं चलाता हूँ। और तुम? कभी कभी गाड़ी चाबी मेरे पास ही रहती है। तो प्रोफेसर साहब, उसे तो बोलने दो, मैं उससे पूछ रहा हूँ। हाँ भाई, चलाते हो गाड़ी? जी सर, लेकिन बहुत कम। अच्छा एक बात बताओ कि 15 अक्टूबर की रात को कहाँ थे आप? घर पे ही था। मार्गो क्लासेस मेरे घर में ही है। इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत रेयरली घर से बाहर निकलता हूँ। और आप कहाँ थे 15 को? सर वो मैं पसीने छोड़ रहे हैं भाई, हैं? पंखा भी तो धीमे चलता है यहाँ का। कमाल है, विक्टिम के हिसाब से उसने भी रेपिस्ट को दाहिने हाथ पे ही काटा था। एक बात बताओ, ये निशान कैसे आया आपके हाथ पे? सर वो मेरा दोस्त है सनी, उसके भांजे ने काटा। उसके साथ में वो गेम खेल रहा था। गेम? हाँ सर, वो गेम होती है ना, मुझे दर्द नहीं हो रहा और तेज काटो, मुझे दर्द नहीं हो रहा और तेज काटो, और तेज वाला वो गेम। कमाल है भाई, फोटो ले। जी सर। जब जरूरत होगी तब बुलाएंगे, हमारी परमिशन के बिना शहर से बाहर नहीं जाना, ठीक है? शुक्रिया। और सुनो चंदन भाई, ये गेम वेम खेलना बंद कर दो, है ना? ठीक बात नहीं है ये। जी जी सर। जाओ। राणा जी, मुझे लगता है ये केस बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है, समझा गया? जी सर। फिंगरप्रिंट्स ले ग्लास पे से। जी। एक तरफ पुलिस मुझे इस रेप केस का सस्पेक्ट मान रही थी, और वहीं दूसरी तरफ मेरी गर्लफ्रेंड गिन्नी मुझसे नाराज थी कि मैं उसके साथ। मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि मुझ जैसा स्टूडियस लड़का एक रेप केस का सस्पेक्ट बन गया। चंदन, आर यू श्योर तुमने मुझे सब कुछ बताया, कुछ नहीं छुपाया मुझसे? लुक एट मी, आर यू श्योर? चंदन, मैं एक लॉयर हूँ, लीगल पॉइंट्स के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज भी स्टडी करती हूँ।
और मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि तुमने आज तक सच वाला सच किसी को नहीं बताया, ये मैं जानती हूँ। अब तुम पे डिपेंड करता है कि मुझे वो सच बताना चाहते हो या नहीं। लेकिन एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूं कि ये जो केस है ना तुम्हारे अगेंस्ट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारे मोबाइल रिकॉर्ड और ट्रैकिंग का ना होना, तुम्हारी कार की सारी डिटेल्स क्राइम से मैच करना, और ये तुम्हारे हाथ पे जो बाइट मार्क है, ये क्लियरली किसी बच्चे का तो लगता नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तुम्हारे अनकन्विंसिंग डिटेल्स उस रात के बारे में, ये सब अकॉर्डिंग टू लॉ बहुत सीरियस है। इसीलिए कह रही हूँ चंदन, अगर कुछ है तो घबराओ मत, शर्माओ मत, मुझे बताओ, वरना कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। मैं भी चलती हूँ, लेकिन हाँ, अगर कुछ बताने का डिसाइड करोगे तो याद रखना कि पहले मुझे पता चले, ना कि इंस्पेक्टर खान को। ठीक है? हाँ, मैंने मैंने झूठ बोला है, बट आई एम नॉट अ रेपिस्ट। मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया। सबसे झूठ बोला है मैंने मैम, क्योंकि उस रात को मैं जहां था उसके बारे में मैं किसी को बताना नहीं चाहता था। आई एम अशेम्ड ऑफ इट। उस शाम सन्नी के जाने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। किन्नी को खुश करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और उसके लिए मुझे वर्जिन बाबा की वो बात माननी जरूरी थी। इसीलिए मैंने कार स्टार्ट करी और पहुंच गया उस दिल्ली, उस अनजान लड़की को ढूंढने जिसके साथ कुछ करती मेरी वो पावर्स एक्टिवेट होने वाली थी। जब मैं हुस्न गली पहुंचा तो वहां का नजारा अलग ही था। चीप, एकदम चीप, अजीब सी लड़कियां थी वहां, वल्गर टाइप्स। उन्हीं अनजान चेहरों में मेरी नजर एक ऐसे अनजान चेहरे पर पड़ी जो कुछ खास लगा, जलपरी। मैडम, 30 मिनट हो गए, आज का टाइम खत्म। ये सच बहुत इंपॉर्टेंट है चंदन, अभी टाइम खत्म हो गया है, मैं कल फिर आऊंगी। यू डोंट टेक स्ट्रेस, ओके? सर, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। कार में जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो चंदन के ग्लास वाले प्रिंट से मैच नहीं हो रहे। ये देखिए सर, और एक इम्पॉर्टेंट बात, इसमें मल्टीपल फिंगरप्रिंट्स आए हैं, चंदन के अलावा भी किसी और के फिंगरप्रिंट्स आए हैं। ये देखिए सर, इस रिपोर्ट की कोई जरूरत ना है, अब तो बात शनाया जी के चैलेंज की है। चंदन को गिल्टी प्रूव करने के लिए काफी एविडेंस है हमारे पास, सिर्फ उसका कबूलनामा रह गया है, जो वो इब कबूल करेगा। पावर हमने चंदन के अंदर स्थापित कर दी है। तुझे हुस्न गली जाना है, जा, नहीं जाना है मत जा, लेकिन उसका इस्तेमाल उसे पहली बार उस स्त्री के साथ करना होगा जिसे वो जानता नहीं हो। मैंने झूठ बोला है, बट आई एम नॉट अ रेपिस्ट। मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया है मैम। किसी अनजान स्त्री के साथ? सबसे झूठ बोला है मैंने मैम, क्योंकि उस रात को मैं जहाँ था उसके बारे में मैं किसी को बताना नहीं चाहता था, किसी को भी नहीं। बहुत हो गया तेरा ड्रामा, अब मैं एक सवाल पूछूंगा और उसका एक ही जवाब देना सोच समझ के। 15 की शाम को कहां था? जलपरी कहां रहती है? जलपरी का घर कौन सा है? Thank you.
समझ के जवाब देना, नहीं तो इस हवालात से बोलने की नहीं चीखने की आवाजें जाएंगी। मैं कितनी बार आप लोगों से बोल चुका हूँ कि 15 तारीख को मैं घर पे ही था। अरे तू नहीं बोलेगा हैं? बोल बोल, कहा था 15 की रात को? चले इनको हम कैसे भूल सकते हैं मैडम। मेरे 11 साल के करियर में ये एक ही अलग किस्म के नमूने थे। उस रात फिर वो एक अच्छे बच्चे की तरह सो गए। ऐसी अजीब रात मैंने आज तक किसी कस्टमर के साथ नहीं गुजारी। फिर जब वो सुबह उठे, मेरे लाख मना करने के बावजूद भी उसने मुझे पैसे दिए। मैडम वो लड़का बहुत अच्छा था, एकदम शरीफ टाइप्स। जलपरी तुम 100% श्योर हो ना कि चंदन ने पूरी रात यहाँ बिताई और वो सुबह होने तक यहीं तुम्हारे साथ था? हाँ मैडम, पर क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रॉब्लम तो है, लेकिन लगता है कि बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगी। ये सब लड़ी, दिस इज इलीगल। मैं अभी उस खान को मैम प्लीज आप ऐसा कुछ मत करिए। चंदन, मैं जलपरी से मिलने गई और मुझे पता है कि तुम 15 अक्टूबर की पूरी रात वहीं थी, हुस्न गली। एंड यू नो व्हाट, जलपरी ने कहा है कि वो इस बात की गवाही कोर्ट में भी देने के लिए तैयार है। सो नाउ यू आर सेफ। हम इजीली कोर्ट में ये प्रूव कर सकते हैं कि रेप तुमने नहीं किया है, बल्कि उस रात तुम हुस्न गली में थी। नहीं मैम, नहीं प्लीज मैम, मैं यही तो नहीं चाहता कि मैं कोर्ट में या फिर पब्लिकली ये वाली बात बोलूं कि मैं चंदन भार्गव, एक स्टूडेंट, एक टीचर, हुस्न गली जैसी गंदी जगह पर था। मैम मेरी अगर फैमिली को पता चलेगा ना तो वो मुझे बॉयकॉट कर देंगे, सोसाइटी मुझे जीने नहीं देगी। मैम प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हम कोई दूसरा रास्ता सोचते हैं ना। तो क्या करूं मैं, ये जो इंस्पेक्टर खान है ना, ये अब अपनी असली औकात पे आ गया है और इसे अच्छे से जानती हूँ मैं। ये जान दे देगा लेकिन तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलने देगा। तुम्हारी और तुम्हारी फ्रीडम के बीच में सिर्फ एक चीज आ रही है। क्या? तुम्हारी कार, क्योंकि पुलिस के पास में ये प्रूवन रिकॉर्ड्स हैं कि क्राइम में तुम्हारी कार ही लगी थी। Wait a minute. मैंने पहले ये कैसे नहीं सोचा? अगर उस रात तुम अपनी कार यूज कर रहे थे और हुस्न गली भी तुम अपनी ही कार में गए थे, तो तुम्हारी कार क्राइम में यूज हो ही कैसे सकती है? कार तुमने पार्क कहाँ की थी चंदन? मैम वो एक्चुअली हुस्न गली के अंदर कार ले जाने की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने बाहर रोड पे जहाँ जगह मिली मैंने कार वहाँ पार्क कर दी थी। तो इसका मतलब है कि कोई था जिसने तुम्हारी कार उठाई, क्राइम किया और कार वापस ले जाके पार्क कर दी। लेकिन तुम्हारी कार कोई क्यों लेके जाए? एंड अबव दैट, उसने कार वापस वहीं ले जाके पार्क भी कर दी। इट्स वियर्ड। सनी। सनी मतलब? मैम सन्नी के पास मेरी कार की दूसरी चाबी है, वो जिस दिन मैंने दवाई ली थी ना उस दिन। कार की चाबी तो है नहीं मेरे पास। एक ही है क्या चाबी? चाबी तो दो है, एक मेरे पास रहती है, एक पापा के पास। Thank you.
सनी तो मेरे भाई जैसा है, वो ये सब नहीं कर सकता, मुझे पूरा भरोसा है उसपे। इमोशनल मत बनो चंदन, द फैक्ट इज कि तुम यहाँ इस वक्त लॉकअप में हो और सनी बाहर, और तुम्हारी कार में क्राइम हुआ है लेकिन तुमने नहीं किया, राइट? और ये मत भूलो कि उस रात रोड पे तुम दोनों की बहस हुई थी। Who knows? किसे पता कि उसने बड़ी ही स्विफ्टली एक रिवेंज लिया? कुछ भी हो सकता है चंदन, कुछ भी। गेम ओवर सनी, योर गेम इज ओवर। मतलब कौन सी गेम मैडम? 15th अक्टूबर की रात को तुम कहाँ थे? क्यों? जितना पूछा है उसका जवाब दो। क्यों और कहाँ का टाइम अब खत्म हो गया। सनी, आंसर मी, गॉड डैमिट। जवाब मैं नहीं दूंगा, आपको ना सुनाता हूँ जवाब। मतलब साले कल कॉल करने वाला था, अब कर रहा है। अरे भाई गाली मत दे यार, मम्मी पास में खड़ी है, गाली मत देना भाई। अच्छा सुनना, बात बता, तेरा बर्थडे कब होता है यार? मुझे ना अपने कैलेंडर में सेट करना है। साले 15 अक्टूबर और कब? 15 अक्टूबर की पूरी रात मेरे घर पे दारू पी के पड़ा हुआ था। अरे हाँ 15 अक्टूबर की तो था यार तेरा बर्थडे, यार मैं भी भूल जाता हूँ। साले दारू पी के टुन पड़ा था पूरी रात मेरे घर, भाई घर पे पार्टी देता हूँ तो इतनी मत पिया करो यार तू। अच्छा सुन, अपनी बंदी है ना कॉलेज वाली, उसके नॉटी नॉटी मैसेजेस आ रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ तेजिंदर यार मैं बाद में बात करता हूँ, तेरी आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है रख। अरे सानी लिसन टू मी, कहाँ जा रहे हो? अब क्यों पीछे आ रही हो? खेल ली ना गेम आपने, प्रूफ कर दिया ना मैंने, नहीं विश्वास हो रहा है तो ले चलो पुलिस स्टेशन। सॉरी सानी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। तुम्हें पता है उस रात चंदन हुस्न गली गया था। क्या वो हुस्न गली गया था? मेरे सामने तो बड़ा संत बन रहा था। वो जो भी हो, लेकिन वो गया था और पूरी रात वहीं था। चलो एक बात तो तय कि मेरा भाई अब वर्जिन नहीं रहा। वो अब भी वर्जिन ही है। मैम उसका कुछ नहीं हो सकता, उसकी ना सीधे शादी होगी शादी, ऐसे लड़के ना शादी के पहले कुछ नहीं कर पाते। प्रॉब्लम वो नहीं है सानी, प्रॉब्लम ये है कि चंदन हुस्न गली गया और पूरी रात वहीं था, ये मैंने कंफर्म कर लिया है खुद वहां जाके, और उसकी कार बाहर रोड पे, और उसी रात उसकी कार में रेप हुआ था ये भी कंफर्म। इसका मतलब ये है कि कोई है जिसने चंदन की कार का गलत इस्तेमाल किया है। मामला तो टेढ़ा होता जा रहा है मैडम, लेकिन अब ये कैसे पता लगाएंगे कि उसकी कार लेके कौन गया था? Well, that's the problem. ओ तेरी, आइडिया, लेकिन थोड़ा स्टूपिड है मैडम, चलिए रहने देता। बोलो। सीसीटीवी कैमरा। मैडम आजकल हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, तो चंदन ने जिस जगह कार पार्क की थी वहां पे भी सीसीटीवी कैमरा शायद लगे ही होंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कार लेके कौन गया था। Not bad, Sunny. Stupid नहीं, अच्छा idea है। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हुस्न गली के बाहर वाली रोड पे चंदन ने कार कहाँ पार्क की थी? चंदन भी अपना लॉकअप में बंद पड़ा हुआ है। सनी सुनो, हमें किसी भी तरह चंदन को लॉकअप से बाहर निकालना होगा और वहीं ले जाना होगा जहां उसने कार पार्क की थी। मैम एक काम करते हैं, पीपी सिंह जी के पास चलते हैं, ऐसे खुरापाती सॉल्यूशंस उन्हीं के पास मिलते हैं। ओ मिल गया जी, आइडिया मिल गया। क्या? अरे वही जो हर हिंदी फिल्म के क्लाइमेक्स में होता है। लेकिन क्या? बुर्खा। प्लान क्या है ये बताइए। हम लोग बुर्खा पहन के पुलिस स्टेशन में जाएंगे और जाकर के कह देंगे कि वो जी मेरा भांजा खो गया। कौन भांजा? ओए यार झूठ बोल रहे, झूठ। और जाकर के हम लोग वहां पे हंगामा खड़ा कर देंगे। और सुन, उसी बीच में तू चाबी लेकर के सेल के अंदर जा और खोल करके चंदन को बाहर ले आना। और सुनो, चंदन को भी एक बुर्का पहना देना। लेकिन पीपी जी,
पुलिस को तो रात ही में पता चल जाएगा कि चंदन लॉकअप में नहीं है, फिर पुलिस पूरे शहर में सायरन बजा देगी। नहीं पता चलेगा, रात में लॉकअप की चेकिंग कोई नहीं करता। We have to take a chance. I can sense खान कुछ बहुत अगली करने वाला है, और अगर हमें सीसीटीवी फुटेज जैसा कोई सॉलिड प्रूफ मिल जाता है तो बुरखा इज वर्थ टेकिंग अ रिस्क। भाई चल, मैंने पीछे सोने का इंतजाम कर दिया, अब चल के रेस्ट कर ले यार, जो होगा कल देखेंगे। क्या हो गया यार, तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? भाई अगर तेरी इतनी फटेगी तो हम सबका क्या होगा? क्या सोच रहा है तू? किन्नी के बारे में सोच रहा हूँ यार। सनी, जिसके लिए इतनी परेशानी झेली, मुसीबत ली, वो पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। उसको पता भी होगा कि मैं कहाँ हूँ, किस हालत में हूँ। भाई तू इतना लोड मत ले यार, अगर ऐसी बात है तो चले अभी बात कर ले उससे। अभी? पर कैसे? पीपी सिंह जी की कार से, और वैसे भी अभी हमने बुर्का पहना है यार, और पीपी सिंह जी भी यहाँ कराटे लेके सो रहे हैं। घर पे होंगी उसकी मम्मी, वो भी जल्दी सो जाती है, तू आराम से गिन्नी से बात कर लेगा, बोल चले। पर यार अगर रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया तो? यार तू फिर अंडर एस्टिमेट कर रहा है मेरे टैलेंट को। भाई जब तू मेरे साथ रहता है ना तो टेंशन मत लिया कर यार, मुझे पूरे दिल्ली का कोना कोना पता है कि कहाँ ठुल्ले रहते हैं कहाँ नहीं, और मैं तुझे ऐसे रास्ते से ले जाऊंगा ना यार, वहां कोई पुलिस नहीं मिलेगी। चलो जाओ। जी मैडम, कहाँ जा रहे हैं आप इस वक्त? ये कैसा बेहुदा सवाल है दो औरतों से रात के 2 बजे पूछने का? अरे हम अपने शौहर को बताएंगे ना कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, आपको क्यों बताएं? पर भाई साहब ये कोई सवाल है पूछने का, कहाँ जा रही हो कहाँ नहीं जा रही हो? नहीं रुक जाइए, अपने शौहर को फोन करते हैं, बताते हैं कि कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे, रुक जाइए। नहीं ठीक है ठीक है, किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं, आप लोग जाइए। नहीं तो कहाँ जा रही हूँ?
भाई मैं बाहर नजर रखता हूं, तू मिल गया जल्दी। ठीक है। चंदन, क्या हुआ गिन्नी बेटा, कौन है? क्या है वो पुलिस से? तुम्हें कैसे बता? रोज रोज तो बुरखा पहनते नहीं हो ना, लेकिन भागे क्यों? प्रूफ जुटाने के लिए, और प्रूफ करने के लिए कि मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया। लोग तो पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं तुम्हारे बारे में। देखो गिन्नी, मुझे मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है क्या नहीं। मुझे बस ये जानना है कि तुम गिन्नी, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, और यही जानने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं चंदन भार्गव रेप कर सकता हूँ? गिन्नी, तुम्हारी खामोशी मुझे डरा रही है, कुछ तो बोलो। मुझे पता है चंदन कि तुम किसी का रेप नहीं कर सकते। I really believe it. क्योंकि जो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ नहीं कर सका वो किसी का रेप कैसे करे? क्या इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? एक्सेप्ट कर लो ना कि प्रॉब्लम है तुम में। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? क्या एक्सेप्ट करूं? चलो ठीक है, आज मैं एक्सेप्ट कर ही लेता हूं। एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने दवाई तक लिया तुमसे मिलने से पहले, पर तब भी कुछ नहीं हुआ। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि इस चक्कर में मैं एक फ्रॉड वर्जिन बाबा तक पहुंच गया, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि वो क्या, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं ऐसा ही हूं
क्या करूं, भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया। अब प्रॉब्लम क्या है यार? देखो गिनी, आज मैं अपनी दुनिया का सबसे बड़ा सच तुम्हारे सामने एक्सेप्ट करता हूं, और वो सच ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम मेरे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो गिनी, दैट्स इट। गिनी, आई लव यू। सुनो, क्या है? कुछ नहीं। क्या हुआ भाई, बात हुई? अरे बोल भाई। यार ये लड़कियां ना, ये लड़कियां बहुत अजीब होती हैं। पुलिस से पिटकर, छुप छुपा के, भगते भगाते, ये बुर्का पहनकर वैसे मिलने आए, और वो ताना मार रही है। यार तू तो लूट मत ले मेरे भाई, ये लड़कियां ना होती ही ऐसी। बस कल किसी तरह सीसीटीवी फुटेज एक बार आ जाने दे, और तू इन सारे मामलों से जब फ्री होगा ना, तो इस गिन्नी को सबसे पहले तू लात मारियो अपनी जिंदगी से। क्या बात कर रहे हैं यार, इतना आसान थोड़ी ना है। और मैं प्यार करता हूँ उससे, क्यों करता हूँ वो पता नहीं, लेकिन पर करता हूँ। आई लव यार। रुक जाए, है? एक बात बता चंदन, है? ऐसे ही चलते रहे ना तो चलते चलते हम लोग गुड़गांव तक पहुंच जाएंगे। अरे याद करना गड्डी कितने पार की थी। सोच। कुछ याद ही नहीं आ रहा, ऊपर से ये बुरखे की वजह से दिमाग भी काम नहीं कर रहे हैं। देखो एक बात तो तय कि तुमने कार यहीं कहीं इसी रोड पे पार्क की हो, क्योंकि हुस्न गली के अंदर तो गाड़ी जाने की जगह है नहीं। अब हमें बड़ी स्मार्टली हर एक शॉप में जाके ये पता लगाना है कि किसी के पास कोई सीसीटीवी फुटेज है या नहीं, क्या? और हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात। हाँ हाँ, नहीं दिखाएंगे अपनी शक्ल, कर लेंगे इसको नीचे। वो तेरी शक्ल दिखाने लायक है भी नहीं, कर नीचे। सब लोग अलग अलग तरीके, ऑलराइट? ओए रुको, कुछ तो गड़बड़ है। तुम चारों की घबराहट किसी दूसरी ओर इशारा कर रही है। यस, पकड़ लिया, पुरखे के नीचे मर्दों वाले जूते। कौन हो तुम लोग और मेरे रेस्टोरेंट में क्या कर रहे हो? मेरा नाम शनाया है। चंदन भार्गव। पीपी सिंह। सर मैं सनी। बट दिस इज नॉट फनी, तुम लोग बुरखा पहनकर मेरे रेस्टोरेंट में क्या कर रहे हो? ये मुझे बताओगे या पुलिस को? सर,
एक्चुअली आपके रेस्टोरेंट में लगे हुए सीसीटीवी कैमरास हमारी आखिरी होप हैं। पर होप ना बड़ी टॉप चीज होती है सर। मतलब किसी की जिंदगी का सवाल है, और आप तो मतलब बड़े बड़े आदमी हैं, तो थोड़ी सी अगर हेल्प हो जाएगी तो। जी लगता है मामला सीरियस है, आप लोग चलो मेरे साथ। लेट्स गो। वो क्या है ना, मैं बचपन से ही एक जासूस बनना चाहता था, पर मेरे घर वालों ने मेरे सारे सपने तोड़ दिए और बैठा दिया रेस्टोरेंट पे, और मैं तड़पता रहा जासूसी करने के लिए। और भगवान का चमत्कार देखो, आज मुझे मौका मिला है तुम्हारा केस सॉल्व करने का। तुम फिकर मत करो बेटे, अब आते हैं मुद्दे पे। ऐसा है, अपना रेस्टोरेंट है वो सड़क के आखिरी कोने पे, और वहीं से शुरू होती है पतली सी हुस्न गली। और आप तो जानते ही ना, हुस्न गली में कैसे कैसे लोग आते हैं। और हमारे रेस्टोरेंट के ठीक सामने वाले पनवाड़ी के वहां अजीब अजीब तरह के लोग आते रहते हैं, इसीलिए मैंने हर एंगल पर सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। और ये लग गया 15 तारीख का फुटेज। और ये देखो, एक मिनट अंकल थोड़ा रिमाइंड करो। बस जूम। पालू मेरा भाई, वही कार लेके गया था, और ये साला सेंटी ये उधर उधर देख रहा है कि तू कहीं आ ना जाए। वो चाबी जो मेरे पास ही रह गई थी, शायद उसी से। और ये देखो वही लड़का वापस। इन दोनों ने मिलके गाड़ी एग्जैक्टली उसी जगह पर पार्क कर दी। एक मिनट हाँ, ये जरा वापस जुबानी करें। हाँ, यहाँ बाबा बाबा ज़ूम। हाँ, ये देखो, बाइट की चोट की वजह से हैंकरचीफ बांध रहे। चंदन, we have found our criminal. सनी, मैं समझ सकता हूँ यार, लेकिन इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। पालू ने बहुत बड़ा कांड कर दिया है। रेप एक बहुत ही घिनौना क्राइम है। सॉरी भाई, लेकिन ये तो प्रूफ हो गया ना कि क्राइम तूने नहीं किया था। चल बढ़िया। थैंक्स सनाया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत हेल्प की। वैसे मुझे पहले से पता था कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। प्रोफेसर साहब, आपको तो फिल्म के एंड में पता चला,
और मुझे तो पहले सीन से ही पता था कि लड़का हीरा है हीरा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये लड़का आज तक किसी लड़की को इतना भी नहीं टच कर पाया होगा। उस दिन तुमने काफी कुछ एक्सेप्ट कर लिया, आज मैं कुछ एक्सेप्ट करूं? I love you, मीला बेबी। मीला बेबी, तुम्हारा मिलने का प्लान है क्या? ओह नो यू इडियट, गिव मी अ हग। अरे क्या हुआ? और देखना था लेकिन सीन बीच में ही कट हो गया। कोई बात नहीं, बस सब्सक्राइब करो उल्लू और देखो पूरा एपिसोड बिना कटे, यानी बिल्कुल वैसा जैसा आप चाहते हैं। सो सब्सक्राइब नाउ, जस्ट क्लिक एंड वॉच।